नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सबकी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारत और चीन के बीच एक बहुत बड़ी डील है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप तो जानते हैं हम करंट अफेयर्स ग्रुप में हमेशा चर्चा करते रहते हैं। भारत और चीन ने जो पूर्वी लद्दाख का क्षेत्र है, LAC के बचे हुए टकराव वाले पॉइंट्स पर पेट्रोलिंग फिर से शुरू करने के लिए समझौता किया है, और इसे सीमा पर शांति बहाली में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जो डेपसांग और डेमचोक दो पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जिन्हें संवेदनशील माना जाता है, और यह रणनीतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा अहम है। जो डेपसांग और डेमचोक दो पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जिन्हें संवेदनशील माना जाता है, और यह रणनीतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा अहम भी होता है। साथ में जो भारत और चीन का जो रिश्ता है काफी लंबे समय से देखा जा रहा है, तो दोनों देशों के बीच मनमुटाव, तनाव, जो चाइना है, तो आप चाइना तो हमेशा किसी भी देश पर भरोसा करना, मतलब चाइना पर सबसे ज्यादा भरोसा कभी नहीं किया जा सकता। चाइना एक ऐसा देश है जो कभी ना कभी कुछ न कुछ हरकतें करता रहता है। जो भारत और चीन के बीच विवादित पेट्रोलिंग पॉइंट्स को लेकर एग्रीमेंट हुआ है, जिसके बाद सेना यहाँ फिर से पेट्रोलिंग शुरू कर देगी। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में दोनों देशों की सेना के बीच जो हुई हिंसक झड़प के बाद जो तनाव पैदा हुआ था, तब से लेकर अब तक कई पॉइंट्स पर समझौता हुए हैं और सैन्य वापसी भी हुई है। तब से लेकर बहुत सारा समझौता हुआ है और उसके बाद सैन्य वापसी हुई है। इसके साथ ही आप लोग देख सकते हैं, जो यह एग्रीमेंट इसलिए अहम है क्योंकि इससे जो डिसएंगेजमेंट की दिशा में कदम बढ़ाया जा सके। मसलन डेपसांग और डेमचोंग जैसे संवेदनशील पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर इस एग्रीमेंट के बाद सुधार होंगे, और साथ में बीते कुछ हफ्तों से भारत और चीन के डिप्लोमेटिक और सैन्य अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। जो राजनयिक हैं और जो अधिकारी हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं, और इस लंबे विवाद को निपटाने के लिए कई मोर्चों पर चर्चा की गई है। जो यह विवाद चल रहा था उस पर बहुत बड़ी चर्चा की जा रही है, कब यह विवाद खत्म हो और एक नए रिश्ते की सुधार हो। साथ में गलवान घाटी में हुई घटना के बाद कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर पेट्रोलिंग रोक दी गई थी। जब गलवान घाटी में घटना होती है, फिर कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर पेट्रोलिंग रोक दी गई थी, और इस रिजोल्यूशन से तनाव को कम करने की मदद मिलेगी। और चीन ने कुछ क्षेत्रों में सैन्य ठिकाने भी बना लिए थे, और इससे तनाव और बढ़ा, जिसका इस रिजोल्यूशन के बाद सल्यूशन निकाला जा सकेगा। खासतौर पर डेपसांग और डेमचोंग क्षेत्रों के लेकर जो विवाद था, जिस पर निगोशिएशन में समस्या आई थी, काफ़ी ज़्यादा समस्या आई थी। और साथ में आप तो जानते ही होंगे, जो रक्षा सूत्रों को मानना है कि मीटिंग में विदेश मंत्रालय और भारतीय सेना के जो अधिकारी शामिल थे, इस मीटिंग का मकसद उन पॉइंट से डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को पूरी करना था जहां बातचीत फाइनल हो चुका हो। और डेपसांग और डेपचांग जैसे पॉइंट्स रणनीतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा अहम हैं, और इन पॉइंट से डिसएंगेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए, और इसलिए ज़रूरी है कि इन्हें लेकर सबसे बड़ा विवाद था, और इन पॉइंट्स पर पेट्रोलिंग फिर से शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है। और जहां 5 से ज़्यादा पेट्रोलिंग पॉइंट्स को फिर से रिएक्टिव किया जाएगा, वह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को पूरी करना था, और वह बातचीत फाइनल हो चुकी है। और डेपसांग और जो एग्रीमेंट से कई बातों को हमेशा सीक्रेट रखा जाता है, और दोनों पक्ष इस एग्रीमेंट में हुई जो मशवरा हुआ है उसको लागू करने के लिए काम कर रहे हैं। और पॉजिटिव घटनाक्रम कई राउंड के सैन्य स्तर की बातचीत के बाद हुआ है, जहाँ LAC के पास कई अन फ्लैश पॉइंट्स जैसे पेंगोंग्स, गोगरा, हॉट स्प्रिंग से डिसएंगेजमेंट और तनाव कम करने पर बातचीत की गई है, और डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया चल रही है, जिससे माना जाता है कि तनाव कम होगा और भविष्य में सीमा पर किसी तरह के टकराव की संभावना को कम किया जा सकता है। तो इस हिसाब से यह जो पेट्रोलिंग सिस्टम है बहुत अच्छे तरीके से डील किया गया है, और साथ में जो यह अभी स्पष्ट नहीं है कि डेपसांग और डेमचांग पॉइंट्स पर 2020 से पहले फॉलो किए जाने वाले SOP पर आधारित होगा, या फिर दोनों पक्षों की तरफ से इसके लिए कोई नया प्रोटोकॉल स्थापित किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ना आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड में आते कर लीजिएगा।
धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। 2024 सिर्फ आपका है, 2-3 महीना बचा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप उसे फोड़ दीजिए। धन्यवाद, टेक केयर।